हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक फिर से नया वीडियो लेके आया हूं। ये छोटा सा वीडियो है, एंड तक देखिए। इसी वक्त आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, यही है वीडियो का टाइटल। तो अभी लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए प्लीज़। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चकुरे 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 हील एनर्जीज। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। Four of Cups. Okay. King of Cups. Justice. देखो आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पाया या फिर आपको इग्नोर किया या फिर आपके पार्टनर बहुत सैड फील कर रहे थे इसीलिए वो आपसे ठीक से बातें नहीं कर पा रहे थे। उसको बहुत ज़्यादा डर था कुछ बात को लेके, अभी भी वो अड़े हैं। हो सकता है आपके साथ उसका कोई इमोशनल पैकेजेस में मैं बोलूँगा कि आप सैड थे इसीलिए वो सैड थे या फिर आप उसको कुछ बोल दिए थे जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, तो अब दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था, वो भी पास्ट के रिलेटेड। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर उनके पास्ट को आज देखे है या फिर उसके पास्ट के बारे में उसको कुछ पता चला है, इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा मायूस है, वो चीज़ वो नहीं शेयर कर पा रहे। तो रिलेटेड टू हिज पास्ट हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ जिसके वजह से वो सैड था, मैं देख सकता हूँ। बट वो जो पास्ट पेन से ओवरकम कर रहे हैं, हो सकते हैं वो बहुत ही जल्दी आपको शेयर भी कर सकते हैं, वो आपसे आगे बातें भी करेंगे और मैं देख सकता हूँ वो आपको एक बहुत अच्छा रेजोल्यूशन दे सकते हैं। मैं देख सकता हूँ कि कोई प्रॉमिस कर सकता है या फिर आपके पार्टनर आपको कितना प्यार करते हैं, वो कितना चाहते हैं, ये चीज़ वो आपको बोलेंगे। वो बार बार यही बोलना चाहते हैं कि जितना बार वो कोशिश करते हैं आपसे कुछ बोलने के लिए वो नहीं कह पाते क्योंकि वो उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाते। ऊपर से मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत उसको कमिटमेंट के लेके बहुत बार पूछे हो बट उसका जवाब उस टाइम पे नहीं था, वो रेडी नहीं थे कुछ टाइम पहले या फिर कुछ दिन पहले आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो जानबूझ के कुछ इंसिडेंट को इग्नोर किया। हालांकि उस टाइम पे वो इग्नोर नहीं करना चाहता था बट सिचुएशंस कुछ ऐसा था वो उसको इग्नोर करना पड़ा। बट अभी वो अपने सच्चाई के साथ आपके पास आएंगे, हो सकता है कुछ इंसिडेंट के बाद आपको कुछ सच्चाई पता चलेगा, हो सकता है आप कुछ जल्दी ही रिएक्ट कर दिए थे या फिर कुछ गलत एज्यूम कर रहे थे या फिर कुछ नेगेटिव तरीके से सोचे थे, इंपेशेंस होकर कुछ डिसीजंस लिए थे, वो डिसीजंस मतलब सामने आ जाएगा कि आपके पार्टनर जानबूझ के कुछ नहीं किया था, कुछ सच सामने आ जाएगा। आप अगर कोई सीक्रेट छुपा रहे हो तो आपके पार्टनर को पता है कि कुछ सीक्रेट आप भी कहना चाहते हो बट वो नहीं कह पाते हो, या फिर ऐसा है कि आपके पार्टनर के कुछ सीक्रेट के बारे में आपको भी पता है, ये चीज़ उसको पता चला है। मेरे ख्याल से वो आपको सॉरी भी बोलेगा क्योंकि वो मैं देख सकता हूँ कि आप में से कई सारे पर्सन का पार्टनर सॉरी बोल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपके पार्टनर अगर आपसे बदतमीजी से बात किया या फिर बात ही नहीं किया या फिर इग्नोर किया या फिर आपसे आपका रिप्लाई नहीं दिया तो वो रिप्लाई देने के लिए रेडी हो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। बट मैं देख सकता हूँ कि उसके पास्ट का ख्याल आ रहे हैं या फिर पास्ट के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं इसीलिए वो बहुत सैड हो रहे थे। अभी मैं देखूंगा कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस घट मतलब वो घट जाएगा या फिर रहेगा। देखो यहाँ पे सिक्स ऑफ शोर्ड्स है, मेरे ख्याल से आप दोनों के बीच में कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस था। हो सकता है आपके पार्टनर को बार बार मिलने के लिए बोल रहे थे, आपके पार्टनर नहीं आ पा रहे थे, अभी वो मिलने के लिए आ जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को आप कमिटमेंट मांग रहे थे, वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे या फिर लाइफ में अभी भी वो उतना ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में उतना फोकस नहीं थे, अभी वो कमिटमेंट दे देंगे। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए, वो थोड़ा ओपन अप होने में टाइम लगाते हैं, वो आपको पसंद करते हैं और वो ही उसके साथ आपका फ्यूचर वो देखते हैं बट अभी वो रेडी नहीं है, उसको कुछ दिन टाइम चाहिए। मेरे ख्याल से वो आपको कुछ कन्फेस करेगा, आपके सामने रो भी सकता है ये, और अपने पास के बारे में कुछ चीज़ वो बोलना चाहेंगे आपसे। वो एक ऐसे कुछ किए थे आपके साथ जिसके लिए वो खुद को दोषी मानते हैं, हालांकि वो आपको दोषी ठहराए थे बट मन ही मन उसको पता है कि वो दोष किए थे, आपने नहीं किए थे। तो वो अगर कुछ किए भी थे पास्ट में उस चीज़ के बारे में वो सॉरी बोलने के लिए आपके सामने आएंगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है या फिर अगर आप एक मैरिड पर्सन हो फिर भी आप किसी दूसरे पर्सन के प्यार करते हो जो और एक मैरिड है, तो ये वो कनेक्शंस भी देख सकता हूँ मैं कि एक पर्सन बार बार ऑन एंड ऑफ कर रहा था, फाइनली वो आपके सामने आके सरेंडर कर रहे हैं। आगे क्या होगा? एम्प्रेस।
यहाँ पे शादी का कार्ड है, या फिर आपके पार्टनर आपको शादी करना चाहेंगे, या फिर आपके पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे, या फिर ऐसे अगर आपके मन में सोच है कि आप क्या अपने डेस्टिन पार्टनर के आपको प्यार मिलेगा, क्या आपके पार्टनर कभी भी आपको कन्फेस करेगा, तो यस ये कार्ड यस दिखा रहा है, यानी कि आपके पार्टनर आपको कन्फेस भी करेंगे एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप सबसे खूबसूरत हो, उनकी नज़रों में आपके दिल सबसे अच्छा है, फिजिकल ब्यूटी उसको पसंद नहीं है बट आपके इनर ब्यूटी की वजह से वो आपके पास आए हैं। हालांकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, वो अगर चाहता तो वो बहुत सारे पर्सन के पास जा सकता था बट वो आपको चूज किए क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, आप डेडिकेटेड हो। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग फिनेंशियली अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि फिनेंस ज़्यादा ठीक नहीं है बट वो ये बिलीव करते हैं कि एक दिन आपको ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका फिनेंस बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो जाएगा एंड उस दिन वो आपको इंट्रोड्यूस करा पाएंगे आपके फैमिली के साथ, अपने फैमिली के साथ। सो ये चीज़ वो कहना चाहते थे, यही रहा रीडिंग बट मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर हेजिटेट कर रहे थे कुछ दिन से, कुछ चीज़ वियर्ड बिहेव कर रहे थे, बातें को ठीक से नहीं कह पाते थे, डिप्रेशन में चले गए थे या फिर डर रहे थे। अभी वो डर खत्म हो जा रहे हैं और वो पहले जैसे बन जा रहे हैं। मेरे ख्याल से फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों के बीच में एक बहुत ही अमेजिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी रिलेशनशिप बदल जा रहे हैं और प्यार बढ़ जा रहे हैं। हो सकता है आप दोनों गिफ्ट्स एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी मंगवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।